उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार की जनता के द्वार और हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश एवं भयमुक्त समाज कार्यक्रम के तहत रुड़की को 88,73,000 रुपए की सौगात दी। वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश की योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और लोगों की समस्याओं को भी सुना। हरिद्वार में सरकार जनता के द्वार और हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश एवं भयमुक्त समाज के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हिस्सा लिया और रुड़की को 88,73,000 रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिसके तहत सड़क के इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 9 महिला लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और राजस्व विभाग की ओर से 5 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक वितरित किए। वहीं उद्यान विभाग की ओर से 5 लाभार्थियों को फसल की दाव किट भी दी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना के तहत 17 लाभार्थियों को ब्याज रहित ऋण की चेक वितरित किए। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।